उधर मंदसौर में महात्मा गांधी ग्राम स्वरोजगार योजना गांव के ही लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। योजना भी बनी है, ग्रामीण को रोजगार देने के लिए भी है, लेकिन जिले के गरोठ जनपद क्षेत्र में इसका उल्टा देखने को मिल रहा है। ये मामला ग्राम पंचायत कोटड़ा बुजुर्ग का है, जहां मनरेगा योजना में लगभग 24 लाख की लागत से तालाब का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण कार्य जेसीबी मशीनों समेत ट्रैक्टरों से किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक तालाब का निर्माण मजदूरों को करना था, लेकिन जिम्मेदारों ने गांव के लोगों के रोजगार छीन लिया। उन्हें लंबे समय से मजदूरी का इंतजार था और तालाब का निर्माण कार्य मशीनों से किया जा रहा है। जब मामले पर जनपद सीओ से बात हुई तो उन्होंने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। यह महात्मा गांधी ग्राम रोजगार योजना मनरेगा के अंतर्गत अमृत सरोवर स्कीम जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च की थी, उसके तहत अमृत सरोवर तालाब खोला जा रहा है। ये अब मेरे संज्ञान में नहीं है, क्योंकि आप आए और आपने बताया है, पर आप बता रहे हैं तो मैं दिखाता हूँ इसको क्या अंतर्गत। यदि ये पुष्टि पाई जाती है तो जांच पाई जाती है तो सरपंच सचिव के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये इस योजना में मशीनों से कार्य पूर्णतः अवरुद्ध है। इसमें मजदूरों से काम किया जाना है, हालांकि कुछ जगह जहां पे परमिसिबल भी है, कुछ 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 पार्ट पर परमिसिबल है, जहां पर लेबर से काम नहीं हो सकता उस जगह परमिसिबल है, जैसे कि हार्ड रॉक्स आ जाए या हार्ड स्टार्ट आ जाए तो वहां पे चलता है, बाकी अदरवाइज ये परमिसिबल नहीं।